नमस्कार, मैं रेसिपी प्रभाकर और आप देख रहे हैं एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। जिला प्रभारी भगवा कैमूर, एटीएस न्यूज में स्वागत करता हूँ। आइए आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमारे देश में जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के बीच में जो एक संस्था है जिसको कहते हैं रीथा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कुछ राशन के द्वारा उनको इस पैंडेमिक सिचुएशन में मदद किया गया। आइए हम अधिकारी जी से आपको रूबरू कराते हैं। सर, आज आपको इस बच्चे लेबर बच्चों को राशन बांटे कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील? मैं आपको बता दूं, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारी संस्था सेवा भारत की एक छोटा ब्रांच है लेता चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके माध्यम से ये राशन हम लोगों ने जो दिया है, जरूर ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस दिन दे कैन सर्वाइव विद इस राशन की ये संतुष्टि है कि बच्चे खुश होकर जा रहे हैं, कुछ पाया है उन्होंने। और साथ में हमने उन लोगों को इंकरेज भी किया है कि कैसे COVID-19 से बच बचाव करना है, कैसे सामाजिक दूरी बना के रखना है, और हम लोग ने मास्क भी दिया ताकि वो मास्क वो यूज करे, उसका मतलब को समझे कि हमको भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाना है, हमें सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, तब हम इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता ये खुशी जो बच्चों के बीच में हमें मिला है। इन बच्चों का भविष्य के लिए हम लोग शिक्षा भी दे रहे हैं, फ्री में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, उनको शारीरिक विकास के लिए खेल का सामग्री दे रहे हैं, और आर्थिक विकास के लिए कुछ रोजगार के लिए उनको हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। इसका मतलब अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा का महत्व को भी बता रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना भविष्य को उज्ज्वल करें।